Hi, I am Anish Sanduja from Sanduja Interior. Today I am going to show you one of our project which is based in Sona. It's a 3 BHK house. It has a 2-story. जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं, we have a huge पार्किंग एरिया विच कॉल्ड एज अ पोर्च एरिया एज अ फ्रंट एरिया ऑफ द हाउस और हम लोग वहाँ पर 15 से 20 बंदों की आराम से सिटिंग भी कर सकते हैं. घर के अंदर एंटर होने से पहले जो हमारा उसका मेन डोर है वुडन डोर, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं. वो डोर बेसिकली हमने पूरे घर से बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट रख के किया हुआ है, सो दैट एंट्रेंस जो है वो हमेशा इनहेंस एंड टोटली डिफरेंट होनी चाहिए. उसमें बेसिकली हमने वुडन्स के ग्रूव्स पैनल यूज़ करे हुए हैं, देन उसमें हमने बीच में लेदर की क्विल्टिंग यूज़ करी है विच इज़ इवन डिटैचेबल ऑल्सो. इन फ्यूचर अगर वो ख़राब भी होती है तो हम उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं एंड इवन दैट डोर गिव्स अ प्रिटी डिसेंट लुक ऑफ द एंट्रेंस. तो हम लोग बात करते हैं अब घर के एंट्रेंस की. जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं, वी एंटर टू द लिविंग एरिया. लिविंग एरिया के अंदर आकर के हम लोगों ने ऐसे बेसिक कलर्स यूज़ किए हुए हैं जो हमें एक ओपननेस वाली फील देते हैं, एज बेसिकली लाइट कलर्स, फॉर एग्जांपल वाइट, आइवरी, क्रीम, बेज, वुडन, ब्लैक और रोज कॉपर. सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ द मिरर इन द लिविंग एरिया दैट गिव्स अस अ फील ऑफ ओपन स्पेस एंड द लग्जरी ऑल्सो. इसी के साथ हमारे डाइनिंग के साथ एक हमारी वैनिटी एरिया कनेक्टेड है. वी हैवंट गिवन अ पाउडर रूम विद कनेक्टेड टू द डाइनिंग एरिया, सो वी हैव गिवन अ वैनिटी एरिया ओनली दैट इज़ टू हाईलाइट एंड एनीबॉडी कैन सी. और इवन वैनिटी पर भी हम लोगों ने वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो हम लोगों ने डाइनिंग की बैक वॉल पर यूज़ किया है. देन हम आगे आते हैं हमारी किचन की तरफ, जो कि किचन जो है हमारी लिविंग एरिया से कनेक्टेड है, डाइनिंग कम लिविंग से एरिया हमारे कनेक्टेड है, जो कि हमारा पूरा एक एक्रेलिक बेस्ड किचन है. उसमें भी हमारी जो बेसिक डिज़ाइनिंग है और जो बेसिक कलर कॉम्बिनेशन है वो हमारा बेसिक वाइट ही है. जैसे मैंने आपको लिविंग के बारे में बताया, पूरे घर में हम लोगों ने ये यूज़ किया है कलर. किचन में सिंक और होब वाला पार्ट हमारा एक सेपरेट है. जैसे अगर हम बात करें तो डाइनिंग एंड किचन एरिया हमारा आपस में कनेक्टेड है, बट जब हम डाइनिंग में बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो गेस्ट जो वहाँ पर बैठे हैं वो किचन में कुकिंग एरिया और सिंक एरिया को नहीं देख सकते, क्योंकि वो एज अ हिडन पार्ट है एंड विच शुड बी इन एवरी हाउस. हमारा जो ड्राइंग रूम है दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द लिविंग रूम. तो हम लिविंग रूम से ईजिली हम ड्राइंग रूम के अंदर आ सकते हैं. हम ड्राइंग रूम की बात करते हैं, ड्राइंग रूम में जब हम एंटर होते हैं तो हमारा एक ड्राइंग रूम में अलग से हमने सेपरेट एरिया दिया हुआ है ड्राइंग रूम में. ड्राइंग रूम हैज़ ए सेपरेट डोर विच इज़ कनेक्टेड टू द लिविंग एरिया ऑल्सो. तो हम ड्राइंग रूम में भी अगेन वही बात करते हैं, जो कलर्स हम लोगों ने ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया और किचन में यूज़ करे हैं वही सेम बेसिक हमने इसमें यूज़ किया है. एंड द सतवारियो मार्बल्स वी हैव यूज एज अ सेंटर टेबल और एज अ टीवी कंसोल. ड्राइंग रूम में हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपस में है, सोफ़ों का कॉम्बिनेशन, वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन, वॉल आर्ट का कॉम्बिनेशन, वॉल लैम्प्स का कॉम्बिनेशन, वॉल लैम्प्स की डिटेलिंग का कलर, शैंडलियर का कलर, इवन फैन का कलर, एंड द डिज़ाइनिंग ऑफ द टी वी पैनल एंड द पैटर्न ऑफ द टी वी कंसोल एंड इवन द पैटर्न एंड द डिज़ाइनिंग एलिमेंट फॉर द ऑफ द सेंटर पीस ऑल्सो फॉर ड्राइंग रूम.
अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के बार एंड वॉशरूम एरिया के बारे में। ड्राइंग रूम का जो बार है वो हमने टोटली इन्हांस किया हुआ है, उसमें गोल्डन मिरर्स यूज़ करके, प्रोफाइल लाइट यूज़ करके। थोड़ा सा बार हमारा एक ऐसी जगह पर है, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, बट स्टिल वी हैव टू मेक इट एज अ स्पेशियस, मोर स्पेशियस, जो कि थोड़ी ओपननेस वाली फील दे, इनफ उसके अंदर लाइटिंग हो। देन उसके बाद हम आते हैं एक वॉशरूम में। वॉशरूम में हम लोगों ने बेसिक कलर ऑफ टाइल का यूज़ किया है, एज आइवरी आई टोल्ड यू, पूरे घर में हम लोगों ने बेसिक कलर यूज़ किया। उसी के साथ वी हैव गिवन अ कॉपर ग्लास स्ट्रिप विच इन्हांस द होल वॉशरूम। अब हम आपको बताते हैं ओनर के एल्डर सन का रूम का। तो उसमें भी हम लोगों ने वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, एंड क्रीम इवन ऑल्सो। तो उसका भी जो हमारा कॉम्बिनेशन, व्हेन वी एंटर टू द रूम वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ एलिमेंट ऑफ ब्लैक विच इन्हांस द रूम एंड विच गिव्स अ रॉयल फील ऑल्सो। द ब्लैक कलर इज़ द मोस्ट कॉमन कलर, उसी के साथ हमने कॉम्बिनेशन में वाइट एंड आइवरी कलर को यूज़ किया है, सो दैट ब्लैक कलर हमारा इन्हांस हो सके, वाइट एंड बेज कलर हमारा आपस में सेटल होकर के एक ग्रेट सा कॉम्बिनेशन बना सके। देन उसी के साथ जो उसमें हमने वॉल आर्ट भी यूज़ किए हैं, इवन दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द बेडरूम डिज़ाइन, इवन द बेड पैनलिंग, इवन फॉर द टीवी पैनलिंग। सो बेसिकली हमारा जो रूम में टीवी पैनल एंड जो बेड पैनलिंग का डिज़ाइन है, बोथ हैज़ अ सेम कॉम्बिनेशन। टीवी के पीछे वाले एरिए में हम लोगों ने क्विल्टिंग की है, इट्स ओनली ऑन द फैब्रिक बेसिकली, नॉट द क्विल्टिंग। वॉक इन वार्डरोब का भी जो हमारा डिज़ाइन है बेसिकली, वो अगेन वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, वाइट पी यू एंड ब्लैक लैकर्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वुडन पैनलिंग। तो हम रूम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि एक मास्टर बेडरूम है। वो यहाँ इस घर के ओनर का रूम है। उनको बेसिकली जो अपने रूम की रिक्वायरमेंट थी, वो एक रॉयल और एक लग्जरी चाहिए था। दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पैनलिंग एज दे हैव गिवन इन देयर सन रूम। तो उसमें हमें एक बिल्कुल डिसेंट सा और एक बिल्कुल सोबर सा काम करना था, विच कैन इन्हांस द रूम बाय इट्सेल्फ। सो वी हैव यूज्ड अ फुल क्विल्टिंग पैनलिंग एट द बैक वॉल ऑफ द बेड, एंड साइड्स में हम लोगों ने एक पीयू के पैनल्स यूज़ किए हैं, which gives a cove light effect to the back paneling. And let's come to the TV panel. In that room we have given a totally different TV panel, which is not even connected to the bed wall area, but that is connected with the doors, the wooden paneling which happened in the room and the wardrobe area. We have a plain white wardrobe with the sleek wooden handles, and there is a one dressing area also which is connected to the wardrobe also. हम आपको बताते हैं फर्स्ट फ्लोर के बारे में, जो कि हमारा एक ड्रेसर एंड स्टोरेज एरिया है, दैट इज़ फॉर मल्टीपर्पज़ स्टोरेज एरिया। सो वो एरिया हम लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया है। उन लोगों को वो एक एरिया ऐसा बनाना था जो कि एक डिज़ाइनर वॉल भी लगे, एक वॉल जो खुद से बोले कि वो डिज़ाइनर है और जो कि हमारे स्टोरेज के भी काम आ सके। तो हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो वॉल देखने पर हम लोगों को एक डिज़ाइनर वॉल फील होती है, बट दैट इज़ एक्चुअली अ स्टोरेज। सो देयर इज़ अ ह्यूज स्टोरेज जिसमें हम हमारे पूरे घर का सामान एक बारी में एक वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ड्रेसिंग के बारे में। उसी वार्डरोब के साथ हम लोगों ने एक ड्रेसिंग का एरिया डिफाइन किया है, जो कि काफ़ी ह्यूज स्पेस है फॉर अ 2 to 3 पीपल मैक्स एट अ सेम टाइम टू गेट रेडी। हमने वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मिरर लगाया है जिससे वी कैन सी आर फुल बॉडी अप टू टो। अब हम आपको घर के रूम नंबर 3 के बारे में बताते हैं, जो कि एक वेल डिज़ाइन है फॉर ए यंग पर्सन। उनके छोटे बेटे का वो रूम है,
तो उनको बेसिकली जो रूम चाहिए था वो हमने एक टोटली डिफरेंट थीम उसमें हमने यूज़ करी है. लाइक एज अ फॉर अ यंगस्टर्स वी गाइज यूज द ब्राइट कलर्स. रूम में जब हम एंटर होते हैं तो हमें एक थोड़ा सा लग्जरी कम थोड़ा सा एक डिफरेंट सी वाइब आती है एज ए ब्राइट कलर वाली. तो उस रूम में जब हम एंटर होते हैं पूरी वॉल पे हम लोगों ने एक पूरा पैनलिंग का वर्क किया है, उसी के साथ हमने दीवार पे कुशनिंग का काम किया है, उसी के साथ हम लोगों ने ब्लैक यूज़ किया है. कुशनिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एज ए सियान ब्लू कलर है. सेम ही उसी रूम में हमने काउचेज यूज़ किए हैं जो कि सेम कलर के हैं. इस रूम का जो हमारा टीवी पैनल है वो बेसिकली हमारा पूरा हमने वुडन का यूज़ किया है, उसमें हमने ज़्यादा डिज़ाइन से रोल नहीं किया. सो हम इसके वार्डरोब के बारे में बताते हैं. जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया पूरे घर में हम लोगों ने एक बेसिक कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, वाइट वुडन क्रीम ग्रे आइवरी गोल्ड. तो इसी तरीके का कॉम्बिनेशन हमने इनकी वार्डरोब में लिया हुआ है. रीज़न बीइंग हम लोगों ने रूम में भी बैक के पीछे एंड टीवी पैनल पे भी वुडन का कॉम्बिनेशन लिया है. उसी के कॉम्बिनेशन में हमने वाइट एंड वुडन का यूज़ करके हम लोगों ने वार्डरोब एरिया को डिफाइन किया है विद द इनफ स्पेस ऑफ मिरर. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा. अगर आप भी अपना घर ऐसा चाहते हैं, ऐसा रॉयल लेविश आप लोग बनाना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग मनीष से जब हमारा कॉन्टैक्ट हुआ तो स्टार्टिंग में नहीं लगता था कि ये लड़का काम जो हमारा ड्रीम हाउस है जो हम बनाना चाहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि ये काम हो पाएगा कर पाएगा या नहीं. लेकिन मैं गलत था, जो मैंने सोचा उससे कहीं बेटर काम हुआ. और एक एक पॉइंट्स पे आप लगाओ कि वुडन का काम हुआ, वुडन की जो काम होते थे हम शाम को आते थे हम देखते थे ठीक है इट्स ओके काम बढ़िया है. मनीष बोलता था नहीं नहीं अंकल इसमें ये कमी है इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इंच बाय इंच देखते थे. मैंने कहा हमने इंच बाय इंच नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हम जिद करते थे. लेकिन ये इससे थोड़ा सा नाराज़गी होती थी, इतना नुकसान हो रहा है क्यों, अंकल कोई बात नहीं. लेकिन हम अगर उस टाइम इसकी बात ना मानते तो आज पछताते. बहुत अच्छा काम वुडन का स्टार्टिंग से लगाओ, एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर उन्होंने जो फोकस किया. पीओपी के ऊपर हमें काफ़ी डिस्कस हुआ, हमने कहा रहना तो ठीक है नहीं ठीक नहीं है. दरवाजे बने, गेट के ऊपर जो काम हुआ, कई बहुत तोड़फोड़ हुई. हम उस टाइम बड़े फेडअप होते थे, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि वो जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ हमने जो काम देखा हमारा ड्रीम हाउस जो बना. और हर मतलब फील्ड में वुडन में ग्लास में एक एक चीज़ इन्होंने हमें बहुत रिलैक्स फील करा कि हर एक काम इन्होंने अपनी चॉइस से करवाया. हमने सिर्फ पैसा लगाया, असली बात तो ये है काम तो मनीष ने किया है. हमने तो पैसा लगाते मज़ा ना आता, एक जो सोवरनेस चाहते थे वो हमें इसने दी. पैसा कई बार होता है पैसा लगाने के बाद मज़ा नहीं आता, पैसा लग गया पैसा थोप देते हैं कहीं, और थोपने के बाद फिर लोग अब हमें अब लगता है रिजल्ट जो हमारे रिलेटिव आते हैं सबसे पहले बोलते वाओ व्हाट ए ड्रीम हाउस. हर आदमी ने इस मकान की तारीफ की है और हमारा पैसा वसूल हुआ. लड़के का नेचर और काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें. अच्छा मकान बना हमारा, बहुत अच्छे हमारे घर वाले सब खुश, हम खुश, पैसा वसूल सौदा हुआ है हमारा.